जय हिंद दोस्तों, मैं खान सर का स्टूडेंट आप सबको अपने यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूँ। आज हम लोग बीपीएससी मेंस आंसर राइटिंग सीरीज का डे नंबर 39 में आपका वेलकम करते हैं और आज का क्वेश्चन दिया गया है गांधीवादी दर्शन पर विस्तार से चर्चा करना है, यानी डिस्कस द गांधीयन फिलोसफी इन डिटेल। इस क्वेश्चन को आपको 8 मार्क्स में लिखना है और सबमिट करना है हमारे टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक नीचे दिया गया है। आपको शाम 7:30 बजे से लेकर 8 बजे तक के बीच में, कल शाम 7:30 से 8 बजे के बीच में आपको सबमिट करना है, शाम में याद रखिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक है आपका येलो कलर में दिया गया है, @bpsc_my_notes हो जाएगा। अगर आपको ये लिंक नहीं मिल पाता है तो आप हमें 6200922032 पे व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे मैसेज कर दीजिएगा, आपको डायरेक्ट लिंक सेंड कर दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो है मैं बता दूँ, इससे पहले आगे बढ़ने से पहले इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा उससे पहले मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो है खान सर का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल नहीं है जहाँ पर आपको आंसर राइटिंग कराया जा रहा है। ये मेरा पर्सनल टेलीग्राम ग्रुप है जहाँ पे BPSC 70 के लिए फ्री आंसर राइटिंग किया जा रहा है। तो मैं उनका स्टूडेंट UPSC BPSC बैच का और साथ में उनके कंटेंट और मेरे खुद के एक्सपीरियंस मेंस एक्सपीरियंस से मैं ये बैच स्टार्ट किया हूँ। आई होप कि आपको कुछ हेल्प मिलेगा मेरे से, तो आप आंसर राइटिंग करना स्टार्ट कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग मैं बता दूं कि गांधीवादी दर्शन जो है आपको कैसे स्टार्ट करना है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन बताना है। अगर मैं 38 मार्क्स के लिए बात करता हूँ, 8 मार्क्स के लिए तो बहुत सिंपल हो जाएगा। 38 मार्क्स के लिए सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा, उसके बाद जो है इंट्रोडक्शन में आपको फिर बताना पड़ेगा कि क्या क्या सोर्स थे गांधी जी के, क्या इंस्पिरेशनल सोर्स थे। दो टाइप का आप सोर्स बताएंगे, एक तो आपका जो है डोमेस्टिक इंस्पिरेशनल सोर्स था और आपका इंटरनेशनल इंस्पिरेशन सोर्स था, यानी जो इंटरनेशनली उन्होंने इंस्पायर हुए थे और जो डोमेस्टिक इंस्पायर हुए थे। ठीक है, डोमेस्टिक जैसे गीता हो गया, उपनिषद हो गया, ये सब में, और इंटरनेशनल समझिएगा टॉल्स्टॉय की बुक था, रस्किन बॉन्ड की बुक थी अनटू द लास्ट, तो वो आप देख सकते हैं। इसके बाद जो आप गांधी जी के फिलोसफी को फ्लो चार्ट में दिखाएंगे कि कितने टाइप के फिलोसफी है, जैसे आपका सत्याग्रह हो गया, सर्वोदय हो गया, स्वराज हो गया, फिर आपका स्वदेशी हो गया, सर्वोदय हो गया, ये सब आप बताएंगे। फिर टसिप हो गया, मींस एंड ईड्स हो गया, रिलीजन एंड पॉलिटिक्स हो गया, वर्ण सिस्टम हो गया, इन सब को आप डिटेल में आप बताएंगे, इन सब को आप फ्लो चार्ट में दिखाएंगे। और जो अगर आपको टाइम कम लग रहा है एक्सप्लेनेशन पार्ट में, तो आप इनमें से कम 6 से 7 आप थ्योरी को आप एक्सप्लेन करेंगे, जैसे सत्याग्रह, सर्वोदय, बहुत सारे इंपॉर्टेंट है, टसिप हो गया, मींस एंड ईड्स हो गया, इन सब को आप एक्सप्लेन करेंगे। और जो टाइम नहीं बचता है तो आप इसको छोड़ दीजिए, क्योंकि आप फ्लो चार्ट में दिखाई दिए क्या, मुझे ये भी पता है, लेकिन आप इंपॉर्टेंट चीज़ों को बता दिए हैं। उसके बाद जो है आप आएंगे, इसके बाद डायरेक्ट जो है आप कंक्लूजन पे आ जाएंगे और ये आपका यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो लिमिटेशन गांधी फिलोसफी का नहीं देना है, क्योंकि विचारधाराओं में कोई भी चैलेंजेस या लिमिटेशन नहीं होती हैं, और जो फिलोसफी था ये स्लो प्रोसेस है, ना कि एक फास्ट प्रोसेस है, तो इसलिए तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट दर्शन का एक्सप्लेनेशन देके आप सीधे आप उतरेंगे कंक्लूजन पे, और यही आपका स्ट्रक्चर होगा। अगर हम बात करते हैं कहाँ पे आपको सबमिट करना है, तो आप दिखा देता हूँ मैं टेलीग्राम चैनल, यहाँ पे आपको सबमिट कर देना है, यहाँ पे आपको सबमिट कर देना है। और देखिएगा यहाँ पे जो ये जो भी ऑप्शनल का ग्रुप है मैं यहाँ पे दे दिया हूँ, आप यहाँ से ऑप्शनल के ग्रुप में भी अपने जा सकते हैं। जैसे आपका यहाँ पे सबसे पहला होगा ऐसे ग्रुप हो जाएगा, आपका जो मेन चैनल है जो कि BPSC ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए होगा, ये आपका क्विज के लिए हो जाएगा। फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ग्रुप है, एंथ्रोपोलॉजी, हिंदी ऑप्शनल, सोशोलॉजी ऑप्शनल, हिस्ट्री ऑप्शनल, लॉ ऑप्शनल, पॉलिटिकल साइंस का ऑप्शनल है। फिर आपका ये मेन चैनल हो गया बक्सर क्लासेस मेन चैनल, UPSC के लिए ग्रुप बना दिया जहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड किया जाएगा, और सीजल के लिए दो और ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है हमारा जो अभी चल रहा है। आप लोग तो यहाँ पे देखिए इवैल्यूएशन प्रोसेस इस तरीके से जाएगा, लेकिन आप हम लोग कोशिश करेंगे क्वालिटी पे, और इवैल्यूएशन प्रोसेस आपको बता दिया जाएगा क्या क्या यहाँ पे आपको कमियाँ हैं, बस वो बताया जाएगा, और सभी का होता है इवैल्यूएशन। तो ठीक है, बाकी देखिए यहाँ पर इस तरीके से आपको सबमिट करना है, जैसे लोग यहाँ पर सबमिट किए आपको भी इसी तरीके से सबमिट करना पड़ेगा अप टू डेट वाला। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर सबमिट कर सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल आप देख लिए हैं जहाँ पर आपको ज्वाइन करना है, और आई होप कि आप हमारे एक्सपीरियंस से और क्लासेस के नोट से आप काफ़ी अच्छा आंसर लिखेंगे, और मेन चीज़ होता है आपका आंसर रिप्रेजेंटेशन। अगर आपका आंसर रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है तो आपके मार्क्स अच्छे मिलेंगे, खराब कंटेंट उतना मैटर नहीं करता है, कंटेंट वैसे होता है किंग, लेकिन जहाँ पर मैं चाहता हूँ कि आंसर रिप्रेजेंटेशन इज़ द मेन थिंग। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जो भी आपको डाउट एंड डिस्कशन होता है आप हमें टेलीग्राम या जो नंबर दिया गया आप इस पर व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।